नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। और नगर परिषद को 2.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। इन 2.5 सालों में कितने कार्य हुए हैं और व्यवस्था सुधरी है, और यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं भिवाड़ी की सेंटर मार्केट में। आम जनता से हम पूछेंगे कि साफ सफाई को लेकर क्या माहौल है। आइए जानते हैं लोगों का किस तरह से रुझान है भिवाड़ी की प्रति, साफ सफाई किस तरह होगा। क्या नाम है? हरिकांत। हाँ जी, तो आप भिवाड़ी में कितने साल से रहे? 2013 से तकरीबन 9 साल हुए। जी, तो क्या माहौल है भिवाड़ी में साफ सफाई को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर? बाकी तो सब अमन शांति है और साफ सफाई तो सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, बाकी ठीक ठाक है। और उधर अलवर बाईपास की तरफ पानी का भराव है, जल भराव वो देखते हैं। ये पानी का जल भराव, ज़्यादा पानी, और रोड पे तो बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी का एक्सल टूटता है हर साल, बारिश के बाद सर्विसिंग करानी पड़ती है। अरविंद, तो भिवाड़ी में को साफ सफाई के लेकर क्या माहौल है, कैसे साफ सफाई हो रही है? भाई साफ सफाई तो गंदी पड़ा है चारों तरफ, बढ़िया तो है ना? हाँ, चारों तरफ गंदी है, सफाई होती नहीं, बंदे मिलते नहीं, यहाँ पे कूड़ा करकट दुनिया भर का पड़ा है सड़क के किनारे किनारे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू है। नीतू, आप क्या मानते हैं भिवाड़ी की जो साफ सफाई व्यवस्था कैसी है? अच्छी नहीं है। सेक्टरों में जो साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं ना, वो दो दो तीन तीन महीने में दिखाई देते हैं। तो आप कौन से सेक्टर में? जी, मैं गांधी कुटीर में रहती हूँ, सेक्टर 4। तीन तीन चार चार महीने में आ रहे हैं कर्मचारी, है नाली साफ करने वाले, और कूड़ा निकाल के जो बाहर कर जाते हैं वो कम से कम 4 महीने बाद उठने आता है, वो जब तक नाली में ही पहुँच जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ, तो गंदगी दिखाई देती है चारों तरफ। तो साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है? ठीक नहीं है जी, बिल्कुल अच्छी नहीं व्यवस्था। आपका क्या नाम है? हेमलता। तो क्या मानते हैं आप साफ सफाई को लेकर भिवाड़ी में? नहीं, यहाँ पे तो रोड वगैरह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है, कूड़ा भी इधर उधर फेंकते हैं ना, तो उठाने वाले भी नहीं आते हैं। भिवाड़ी सेंट्रल मार्केट से साइड में आगे पूरे रोड खराब है, कुछ भी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे बिल्कुल रोड बहुत खराब हुए हैं, यहाँ से निकलने में भी बहुत दिक्कत आती है। कानून व्यवस्था की बात करें, महिला है तो आप क्या मानते हैं कानून व्यवस्था को? हमें नहीं लगता यहाँ पे तो कुछ सुधार हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी साल हो गए हमें तो यहाँ, 25-30 साल से, और हम 10 साल से मेरी शादी को हो गए, पर यहाँ पे कोई सुधार हमने तो देखा नहीं है। बारिश होते ही निकलने में दिक्कत आ जाती है। मनीषा देवी। मनीषा, कितने सालों से आप भिवाड़ी में रह रहे हैं? 15 साल। तो क्या माहौल है साफ सफाई को लेकर, क्या भिवाड़ी में साफ सफाई? तो बहुत सुधार है, पहले जो थी वो पहले से बहुत अभी सुधार में। तो आप कहाँ पर रहते हैं? हम ये सेक्टर में रहते हैं। कौन से वाला सेक्टर? दो सेक्टर में। तो वहाँ पे साफ सफाई अच्छी होती है? हाँ, वहाँ साफ सफाई है, पहले से बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रात को कभी भी निकलो कोई टेंशन नहीं होती है। कानून व्यवस्था की बात करें तो क्या महिला है आप, तो क्या मानते हैं आप कानून व्यवस्था? हम तो खुद ही जॉब करती हूँ, मैं आती हूँ जाती हूँ, मेरा कोई अभी डर भय नहीं है, मैं खुद निर्भर होकर आती हूँ जाती हूँ, पहले से बहुत सुविधा है। थैंक यू बात करने के लिए। हम लोग बात करेंगे, तो क्या नाम है आपका? एनके मित्तल। मित्तल जी, नगर परिषद को 2.5 साल कार्यकाल हो गया है, 2.5 साल में, तो क्या मानते हैं किस तरह से भिवाड़ी के में साफ सफाई का क्या माहौल है और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जहाँ तक साफ सफाई, मैं तो 10 में से 0 दूंगा। जहाँ तक सवाल है साफ सफाई का, इन्होंने कचरे की गाड़ियाँ लगा रखी हैं, वो कोई भी कहीं टाइम पर नहीं आती हैं, कई कई बार तो कई कई दिन आती भी नहीं है। सड़कों का हाल पूछे तो जगह जगह गड्ढे हैं, आप जहाँ खड़े हैं इससे 100 मीटर पर आगे जाके देखिए, आप सेंट्रल मार्केट में अभी आप खड़े हैं, समतल मोड़ यहाँ से 50 मीटर भी नहीं है, वहाँ पर देखिए कि क्या हाल है पानी का। भिवाड़ी मोड़ पर देख लीजिए क्या हाल है, जगह जगह बस स्टैंड के पास इनका पानी भरा रहता है, बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, एक दो हल्की बारिश हुई उसी में इनका पानी भर जाता है, सड़कें जगह जगह टूटी हुई हैं। मैं तो ये कमेंट करना चाहूँगा कि भिवाड़ी को सड़कों के और पानी की सीवरेज के लिए और साफ सफाई के लिए मोदी जी से कहूँगा कि इनको जो है गोल्ड मेडल दिया जाए, इस तरह की इनकी सफाई से हैं।
कारण है जो साफ सफाई न हो पा रही? साफ सफाई कारण यह है कि प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। जो भी काम देते हैं घटिया क्वालिटी का माल लगाते हैं, कभी इन्होंने साफ सफाई नहीं करवाई। मैं अरावली विहार, गांधी कुटीर अरावली विहार में रहता हूँ, वहाँ नालियों की सफाई नहीं होती है कभी। आप आज भी जाके देखिए, नालियों का पानी नाली से ऊपर सड़क पर बह रहा है। तो बताइए क्या करें, ये हाल है इनका, प्रशासन कुछ करता नहीं है। अभी पिछले दिनों लास्ट संडे जो है अग्रवाल धर्मशाला में दैनिक भास्कर ने रूप प्रोग्राम आयोजित किया था, जो वो अभी हर रविवार को जो है 10-12 वार्ड का इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ एक पार्षद महोदय ने कहा कि जब बीडा वाले हमारे ही नहीं प्रशासन सुनता तो हम जनता की क्या सुनेगा। बीडा का ठेकेदार ने काम बंद कर दिया सड़कों का, क्यों? क्योंकि उनको कमीशन चाहिए। यह पार्षद के इल्ज़ाम है, मेरे नहीं है, ये पार्षद के इल्ज़ाम है। हमारे यहाँ पर कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर बनने लगा, 8 महीने से वो बंद पड़ा है क्योंकि ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार को पेमेंट नहीं करोगे वो भागेगा, ये हालत है। साफ़ सफाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कागजों में लिपापोती हो जाती हैं। अभी कह रहे हैं हम गाड़ियों के ऊपर GPS लगाएंगे, ये लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब बीमारियां फैल जाएंगी। नगर परिषद के सामने 10 मीटर पर सामने आप जाकर देखिए, वहाँ पर गंदगी का ढेर है, लोग वहाँ कचरा मजबूरी में डालना पड़ता है। जब घरों में इनसे नहीं उठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो डालेंगे। तो ये हालत है यहाँ की साफ सफाई का। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। माहौल है साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई के लिए कोई माहौल नहीं है यहाँ पे, हर जगह गंदगी के ढेर हैं। और आज की डेट में बारिश के माहौल में आप देख सकते हो, बेवाड़ी बाईपास पे पानी का भी निकास नहीं है नालियों में, जगह पानी भर जाता है। थोड़ी सी अगर बारिश आएगी यहीं पे पानी, आप खड़े नहीं हो सकते, आप देख रहे हो पानी की काफ़ी समस्या है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। हाँ जी। और साफ़ सफाई के लिए क्या माहौल? साफ़ सफाई भी बिल्कुल सेम वही है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। सारे बाजार में आप देख ही रहे हो कचरा कितना सारा है, ये है। लेकिन बस एक चीज़ है, डोर टू डोर कचरा उठाने वाली जो फैसिलिटी है जो परिषद ने कर रखी है वो ठीक कर रखा है। आपका क्या नाम है? आशा। साफ सफाई के लिए क्या करना है? साफ सफाई तो कोई नहीं है, बस ये UIT वगैरह में डोर टू डोर स्वीपर आते हैं नगर पालिका से, बस वो भी रेगुलर नहीं आते, कभी कभी वीक में आते हैं, वन वीक में आते हैं। वीक में आते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? UIT में। UIT कौन सेक्टर में? 9 में। तो वहाँ साफ सफाई नहीं होती? नहीं होती है, रेगुलर होती है, स्वीपर भी आते हैं, बाई चांस नहीं आते। हमारे सेक्टर में मतलब हमारे जो वार्ड ने ना सफाई का बहुत अच्छा माहौल कर रखा है उसने। केवल हमारे सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें सफाई, ऑल ओवर भिवाड़ी की बात कर रहे हैं, और भिवाड़ी में कोई साफ सफाई नहीं, कोई साफ सफाई। थैंक यू बात करने के लिए। मेरा नाम है PK दत्ता। दत्ता जी, कितने सालों से आप भिवाड़ी में रह रहे हैं? मैं लगभग 25 साल हो गया भिवाड़ी में। तो क्या माहौल है भिवाड़ी में, साफ सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या मानते हैं भिवाड़ी, किस तरह से आप मानते हैं? ये साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा मतलब 100 मीटर के आसपास जाओगे तो आपको दोनों रास्ते के दोनों तरफ से वो दिखाई देगा कितना गंदगी है। ऊपर से टूटे फूटे रोड है और मतलब गंदगी तो चारों तरफ फैला हुआ है। ऊपर से फैक्ट्रीज का जो है पोल्यूटेड वाटर, वो जो है गाड़ियों का, आदमियों का, सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। एक तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, हर तरफ से पोल्यूशन के नंबर मामले में भिवाड़ी का जो है नंबर 1 में है, ये तो कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन इसका सुधार होना चाहिए, लेकिन सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा काम कुछ हो ही नहीं है, हम वहीं वहीं रह गए। नगर परिषद को कोई काम नहीं है, नगर परिषद को कोई काम नहीं है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। रोड भी ऐसे टूटे फूटे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ काम ही नहीं करते हैं। अब दिन निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, हम वहीं वहीं रह जाते हैं। देखिए यहाँ भिवाड़ी में जो इंडस्ट्री एरिया है, मेरे ख्याल से राजस्थान का सबसे ज़्यादा इनकम जो है सरकार की तरफ से यहीं से है, और इसको सरकार की तरफ से जो है पूरे के पूरे अंधेरे किया जाता है ना, तो मतलब रोड के भी हर एक चीज़ के लिए। लेकिन ये ठीक नहीं, जब जहाँ से इतना वो मतलब प्रॉफिट मिल रहा है सरकार की तरफ से, जितना भी ये सारे मतलब वो इतना GST भी इकट्ठा होता है, यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, हमारे बड़े दुख की बात है ये। तो आपका? मेरा नाम दीवा है। तो आप कैसे मानते हैं भिवाड़ी को, क्या माहौल है, सुरक्षा को लेकर, साफ सफाई को लेकर क्या मानते हैं आप, किस तरह से आप क्या कितना नंबर? भैया बहुत ज़्यादा है, देखो आप सामने ही देख लो कितना कूड़ा पड़ा है, कोई साफ नहीं करता। हम हमेशा आते हैं, ऐसे ही रहता है, कभी हमने क्लीन नहीं देखा इसको। फिर एक बार मैं आपको अपना ही बताती हूँ, मैं एक बार आ रही तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप चले जाओ, मैं यहीं गाड़ी का वेट करता हूँ गाड़ी में। तो जैसे मैं वहाँ से निकली, सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे, जैसे मुझे डर लग गया कि मैं अकेले क्यों आई।
तो ये फिर लगता ही है कि थोड़ा सा कि कुछ तो सिक्योरिटी हमारे लिए सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए, यानी क्या महिला सुरक्षा के लिए काफी है नहीं। अब नाइट में देखो इतनी जल्दी बंद कर देता है पूरा मार्केट, हम लोग अब वर्किंग होते हैं तो शाम को आना होता है तो फिर सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए तो जल्दी बंद हो रहा है ना मार्केट। गर्ल्स के लिए कितना प्रॉब्लम है। नगर परिषद को 2.5 साल पूरे हो गए कार्यकाल को, इन 2.5 सालों में आप भिवाड़ी में रहते हैं, क्या मानते हैं कि क्या सुधार हुआ साफ सफाई को लेकर या मुझे तो कुछ भी नहीं लगता कि कोई भी साफ सफाई या कुछ भी है, मैंने तो नहीं देखा। मैडम नरेंद्र कुमार शर्मा। नरेंद्र, क्या माहौल है साफ सफाई को लेकर भिवाड़ी में? वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन जब बरसातों का जो मौसम होता है उस समय स्थिति भिवाड़ी के अंदर ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैंने देखा है ऐसा। और कानून व्यवस्था को लेकर कैसे मानते हैं आप? कानून व्यवस्था बेटर है, बेटर है। कानून व्यवस्था में सब कुछ मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ जो एक्शन लेना है वहाँ एक्शन लिया जा रहा है। जो साफ सफाई भिवाड़ी में आप घूमते हैं तो किस तरह से क्या साफ सफाई प्रॉपर हो रही है क्या? ये पानी जहाँ जहाँ पे ब्लॉक होता है उस पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात का पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो शायद कुछ अच्छा। ठीक है थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? के अग्रवाल। अग्रवाल जी, लोकल हूँ। कितने सालों से आप रह रहे हैं भिवाड़ी? 12-13 साल हो गए। तो क्या माहौल है साफ सफाई को लेकर भिवाड़ी में? आपके सामने ही है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नगर पालिका जिम्मेवार। ये कुछ नहीं होती, स्वर्ग बहता है नाली नाले, उस गंदे नाले में से तो निकल के जाते हैं हम, बच्चे उसी में से निकल जाए, उसी में से हम निकल के जाए, उसी में लैट्रिन बह रही है, उसी में इंसान भी बह रहा है, तो क्या साफ सफाई है? सफाई ज़्यादा है नहीं, दिक्कत है, साफ सफाई ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। हाँ देखते हैं, सब रास्ते में कूड़े कूड़े फेंकते रहते हैं, कोई सिस्टम से नहीं है। थोड़ा जाके वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है, नगर परिषद का बोर्ड लगा हुआ है, देखिए क्या है वहाँ पे, कितनी गंदगी है वहाँ पे, आप जाके देखिए एक बार, इतनी अच्छी सफाई है कि हद से ज़्यादा। तो साफ सफाई नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं, जिस तरह से देखा जाए नगर पालिका में अंदर में है, ये सिटी है, छोटा सा सिटी है, लेकिन बेहतरीन तरीके से सफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। भिवाड़ी में साफ सफाई को लेकर क्या माहौल है? सफाई तो बहुत ही गंदी है, बिल्कुल आप सामने देखिए, बिल्कुल कूड़ा है ना, मतलब सामने से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश से तो डर ही लगता है। हाँ जी, कह रहा हूँ बारिश से तो सबसे ज्यादा डर लगता है, इतना पानी, मतलब बिना बारिश के ही पानी भर जाता है यहाँ, तो मतलब हालत खराब हो गई थी अभी पीछे जब बारिश हुई थी, तो मतलब गाड़ी निकालनी भारी पड़ गई थी, मतलब है थोड़ा सा, मतलब काम करने की ज़रूरत है प्रशासन को यहाँ। सबसे ज़्यादा भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया है, उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी भिवाड़ी से जाता है, उसके बावजूद भी आप साफ सफाई के भी रोड में भी मतलब इतना कुछ है नहीं, रोड भी इतनी अच्छी नहीं है, और बाकी साफ सफाई तो बहुत। तो आप क्या कारण मानते हैं जिस तरह से ये व्यवस्थाएँ डगमगाई हुई है? मेरा तो मानना यह है कि गवर्नमेंट ने, हो सकता है जिस संस्था को दिया हो या फिर वो काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल है, क्योंकि देखो पैसा तो लगाती है गवर्नमेंट, बट पता नहीं मतलब नगर निगम यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है उस हिसाब से, नहीं हमें तो दिख नहीं रहा है एक्चुअली। मैं तो तभी कह रहा हूँ कि मतलब अभी मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग, कि अभी जैसे और शहरों को अगर हम देखते हैं तो हम बहुत पीछे हैं, मतलब उस तरह से अगर जैसे अभी स्वच्छ भारत का अभियान चलता है तो उसमें तो मतलब भिवाड़ी का तो पॉइंट ही मतलब मेरे ख्याल से टॉप नीचे में आता होगा, तो मतलब अभी बहुत काम करने की जरूरत है हमको। आपका नाम क्या बेटा? श्रव्या। तो आप क्या मानते हैं कि बच्चों को लेकर कितना भिवाड़ी सेफ है, बेसिकली ज़्यादा अगर बच्चों के लिए? इतना सेफ तो नहीं है, हमारी सोसाइटी में खुद एक बच्चे का किडनैप हो गया था, और हमारी साथ वाली सोसाइटी है उधर भी एक बच्चे का किडनैप हो चुका है। तो साफ सफाई को लेकर क्या आप सोचते हैं आप? साफ़ सफाई तो हमारे स्कूल का जो बस का एरिया है उधर इतना कचरा है, और वहाँ पे बहुत सारा कचरा है, इतना प्लास्टिक है। तो कहाँ पे पढ़ते हैं आप? UCSKM पब्लिक स्कूल। तो वहाँ पे गंदगी आलम है। हाँ जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि जो आपकी बात सुनकर लोग अवेयर हों और हमारा भिवाड़ी सिख साफ सुथरा हो? मैसेज तो बस यही है कि कचरा हम ही फैलाते हैं, तो सफाई भी हमारी ही जिम्मेदारी है, कचरा ना फैलाएं जिससे हमारा शहर जो है स्वच्छ बने। थैंक यू, बात वेलकम। तो मैडम कितने साल से रह रहे हैं आप? हमें शादी करके आए हुए हैं, 15 साल हो गए हैं। कहाँ रहते हैं? हम गांव में रहते हैं, अंदर भिवाड़ी में। भिवाड़ी गांव में। हाँ। तो साफ सफाई को लेकर क्या माहौल है भिवाड़ी?
साफ़ सफाई तो भैया क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं इस वजह से ज़्यादा गंदगी होती है यहाँ पे। तो नगर परिषद को 2.5 साल हो गए कार्यकाल, तो क्या लगता है कि नगर परिषद के जो जुम्मा है साफ सफाई वो प्रॉपर हो रहा है? नहीं सर, थोड़ा तो फर्क आया है, बिल्कुल इतना सुधार आया है कि जगह जगह ये कूड़े वाले लगे हुए हैं, कूड़ेदान भी रखे हुए हैं, थोड़ा तो सुधार आया है। आप क्या कूड़ा है, कबाड़ा है, कुछ भी नहीं है, मोहर बिल्कुल बेकार है। सफाई के लिए सब कचरा, कानून व्यवस्था के सब कचरा, जैसे पहले थे वैसे है भाई, उसे और बेकार है वो बोरा। इसे सामने हो तो मेरे कहने से क्या, मेरे से कहवा रहे हो आप, सामने नज़र आ रहा सब कुछ। जी क्या लगता है कि भिवाड़ी में साफ सफाई को लेकर क्या माहौल? साफ बिल्कुल भी माहौल नहीं है। 6 महीने हो गए मेरी दुकान अरोड़ा स्पोर्ट के सामने कंप्लेन करते हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप भी पानी देख सकते हो, आए हुए आप, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि आयुक्त साहब खुद आए, उन्होंने बुलाया, गाड़ियाँ भी आई, मैडम भी आई, नाम तो अब ध्यान नहीं है मेरा, उसी टाइम टैंकर भी आया ये वो, लेकिन कोई का जैसे आयुक्त साहब गए उसी टाइम सब रफा दफा हो गए। आयुक्त साहब खुद ही कह रहे थे कि तुम्हारी भी हिम्मत है कैसे कचरे में रह रहे हो, जबकि खुद वो जयपुर से आए हैं, खुद बता रहे थे और खुद ही अपना वो कर रहे थे कि मैं वहाँ से आया, यहाँ पता नहीं यहाँ की पब्लिक कैसे कूड़े में रह के खुश है। डेली कंप्लेंट करते हैं, डेली जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सब पे डालते हैं। हाँ एक बार नाटा जी आए थे, उन्होंने पूरी सफाई सफाई कराई थी, लेकिन फिर भी परमानेंट जुगाड़ नहीं करा पाए कोई भी। तो साफ सफाई व्यवस्था है जो 2.5 साल में नहीं हो पाए साहब, बिल्कुल भी नहीं हुई ये वाली जो अब जो आए हैं जो भी, ये सब वो इससे तो पहले अच्छे थे, जब काम नहीं भी हो रहा था फिर भी साफ सफाई तो हो रही थी, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा साहब, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। मेरा नाम है मनोज कुमार शर्मा। बोलिए आपके यहाँ भिवाड़ी में साफ सफाई को लेकर? भिवाड़ी के आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, राजस्थान के क्या कह सकते हैं, पूरे देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर किसी भी ज़िले में आप जाके देखेंगे, किसी भी सेक्टर में कॉलोनी में सब में थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। कोई भी भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी में क्या माहौल? भिवाड़ी में भी यही गंदा माहौल है, थोड़ी सी बारिश आई सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं, गवर्नमेंट को टोल टैक्स चाहिए, रोड टैक्स चाहिए, लेकिन व्यवस्था कोई नहीं है। बाइक वाले गिर रहे हैं, गाड़ी वाले की गाड़ी टूट रही है, पानी भरा हुआ है, आप देखो थोड़ी सी पैदल आदमी निकल नहीं सकता है, लेकिन इस सच्चाई को कोई न्यूज़ मीडिया भी दिखाने को तैयार नहीं है। नेताओं ने इतना बुरा हाल मचा रखा है, जब वोट लेने हो तो आपके पास आएंगे, आपको 10 चीज़ें बताएंगे, और मैं सबसे बड़ी गलती जो है अपनी जनता की समझता हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको ऐसे ही वोट दे देते हैं, इन चीज़ों की कभी मांग ही नहीं करते, इनसे डिमांड ही नहीं करते, जिसके लिए हमें वोट दे रहे हैं वो हमारी ज़रूरत है वो पूरा ही नहीं हो रहा है। देश में जाम, रोड्स, भिवाड़ी के आप किसी भी शहर में देख लीजिए, कोई एक शहर कोई एक कॉलोनी बता दे गवर्नमेंट के हाँ जी ये सबसे अच्छा है, कोई भी शहर कोई जगह ये गवर्नमेंट बता दे हाँ ये सबसे अच्छा है, कोई नगर पालिका बता दे कि हमने इस एरिया को बेस्ट कर रखा है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद घर में से आप नहीं निकल सकते, बच्चों का निकलना बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी साफ सफाई को लेकर क्या माहौल है? माहौल तो अब ठीक ठीक है, बाकी पहले पहले जो सफाई होनी चाहिए वो तो है ही, हर जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, जमादार आते नहीं है, अब हमारे मार्केट में देख लो नीचे किचरा किचरा भरा पड़ा है, कभी कभार आते हैं सफाई कर जाते हैं फिर वही रह जाते हैं, साफ होती नहीं। साफ सफाई जो पहले नहीं थी उससे बनस्पत अब बेटर है, पहले से साफ सफाई हो भी रही, लेकिन अभी भी होना चाहिए, और थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट ध्यान दे सफाई के ऊपर तो अच्छा लगेगा। नगर परिषद को 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल कार्यकाल उसका बीत चुका है, नवंबर में 3 साल हो जाएंगे, तो इन 2.5 सालों में क्या लगता है कि साफ सफाई की जो व्यवस्था है सुधरी है? हाँ पहले से सुधरी है, 2.5 साल में जो टाइम आया है ना, पहले 2.5 साल पहले जो भिवाड़ी की हालत थी उसके में काफ़ी बदलाव आया है, बाकी पानी की समस्या तो है ही है यहाँ पर, पानी थोड़ा सा बारिश होती है पानी के नाले भर जाते हैं, रोडों पे पानी आ जाता है वो, और उस तरफ अगर नगर परिषद ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। तो 24 टीवी नेटवर्क की राजस्थान की जो मुहिम है क्या माहौल है साफ सफाई को लेकर, आज हमने लोगों की राय ली भिवाड़ी से सेंटर मार्केट से, कल किसी और जगह से हम माहौल आपको दिखाएंगे कि भिवाड़ी में क्या माहौल है साफ सफाई को लेकर। आइए चलते हैं, और मैं आपसे और रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जो अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि ये वीडियो अधिकारियों तक पहुँचे, वो देखें और जो भी भिवाड़ी में साफ सफाई का जो हालात जो ख़राब है वो सुधरें। और इसका तभी जब हम लोग इस मुहिम में जुड़ेंगे साथ, तो भिवाड़ी का उद्धार होगा और साफ सुथरा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबसे पहले जो भी न्यूज़ हम इस चैनल पे अपलोड करें वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।